नमस्कार, मैं आचल लोखंडे, महाराष्ट्र टीवी 24 के खेल समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ अहम खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता रवि दहिया ने कहा कि कुछ दिन विश्राम करने के बाद वह पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर अभ्यास के लिए मैदान में उतरेंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि फाइनल में प्रतिद्वंदी ने उनसे बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अपने पहले ओलंपिक में उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और कमियों को दूर करने के लिए वे आगे बढ़ेंगे। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि वह ब्रांज मेडल से संतुष्ट नहीं है, लेकिन चोटिल होने के बाद भी वे देश को मेडल दिलाने की खुशी है। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में मेडल का रंग बदलने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीतकर आधी रात को सुजान सिंह पार्क स्थित आवास पर पहुंचने पर पहलवान बजरंग पुनिया का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल 2018 में खिताब जीतने के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का लक्ष्य अब अगले वर्ष अमेरिका में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है। विश्व चैंपियनशिप अमेरिका के इग्वेन में इस वर्ष होनी थी। टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित किए जाने के बाद इसे 2022 में आयोजित करने का फैसला किया गया। यहाँ चोपड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, अब मेरा अगला लक्ष्य अगले वर्ष विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने के लिए अपनी तरफ से दावा पेश करेगा। आईसीसी पिछले कुछ समय से क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, तभी उसके दावे को दुनिया के सबसे धनी बोर्ड बीसीसीआई का भी समर्थन हासिल है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने मंगलवार को कहा कि उसने टोक्यो ओलंपिक खेलों के दौरान अनुशासनहीनता के लिए स्टार पहलवान विनेश फोगाट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और साथ ही दुर्व्यवहार के लिए युवा सोनम मलिक को नोटिस जारी किया है। पता चला है कि टोक्यो में क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हुई विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसमें अनुशासनहीनता के 3 आरोप लगाए गए हैं। सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेस्सी पेरिस सेंट जर्मन में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद फ्रांस जाएंगे। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यह जानकारी दी। इस करार में पहले स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के साथ अब तक का अपना पूरा करियर बिताने के बाद दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक मेस्सी ने नए क्लब के प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त कर दिया। खेल समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।